रहमतुल्लाह जी सर, इंशाल्लाह शुरू कर सकते हैं आप। जी ठीक है इंशाल्लाह। वालेकुम सलाम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے کہ جس اللہ نے ہمیں دوبارہ قرآن مجید سیکھنے سکھانے قرآن مجید کی مجلس کرنے قرآن مجید کی معلومات حاصل کرنے کے لیے एक बार फिर ऑनलाइन इकट्ठे किया है। यकीनन वो मजलिस, वो महफल, वो मीटिंग और वो बातचीत इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई बाबरकत होती है जिसमें अल्लाह का जिक्र हो, अल्लाह की किताब का जिक्र हो, कुरान मजीद सीखने सिखाने की बातें हों। हमारे प्यारे पैगंबर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान मजीद को सीखता और सिखाता है। इस लिहाज से अल्लाह ताला हमारी इस मजलिस को बाबरकत बनाए और हमें उन लोगों में शामिल करे जो बेहतरीन उम्मत के लोग हैं। आज इब्तदाइया तौर पर चंद बातें इस मजलिस की फजीलत के हवाले से, चंद बातें कुरान मजीद के हवाले से करना चाहूँगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे कुरान और सुन्नत के मुताबिक हक सच बोलने की और फिर हम सबको समझ के उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक दे। मेरी इंतहाई काबिल एहतराम सुनने वाली बहनों और जो भी कोई सुन रहा हो किसी भी जरिए से, चाहे वो इस मीटिंग का डायरेक्टली हिस्सा हो या ना भी हो, हर लिहाज से ही सबसे पहली बात तो ये है कि कुरान मजीद इतनी फजीलत वाली किताब है कि इसकी वजह से वो रात जिस रात में ये नाजिल हुआ, वो रात सारी कायनात की रातों में अफजल तरीन रात कहलाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इस रात, इस कुरान मजीद को कद्र वाली रात में नाजिल किया है। और वो कद्र वाली रात क्या है? खैरुम मिन अल्फ शहर, वो हजार महीने की इबादत से भी ज्यादा अफजल है जिसको अल्लाह नसीब करे। ये कुरान जिस महीने में नाजिल हुआ वो महीना 12 महीनों में सबसे अफजल तरीन करार दिया गया। उसकी हर नेकी, उस महीने की हर नेकी बाकी महीने की नेकियों से अफजल तरीन करार दी गई। ये कुरान जिस उम्मत की तरफ आया वो उम्मत दुनिया की बेशुमार उम्मतों में से बेहतरीन उम्मत कहलाई। कुंतुम खैर उम्मतिन उख्रिजत लिन्नास, ये कुरान जिस नबी के ऊपर नाजिल हुआ वो नबी इमाम कायनात खातमुन नबीयीन सैयदुल मुरसलीन सैयदुल बशर सैयद वल्दे आदम इमाम हुदा रहबर और रहनुमा, बड़े एजाजात से अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नवाजा। इस कुरान मजीद को पढ़ने की फजीलत में खुद आकाए नामदार कौनैन के ताजदार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इमामत का मर्तबा किसी को दिया, नमाज की इमामत करवाने का, दो तीन चार या इससे ज्यादा ग्रुप के आदमियों में,
تو فرمایا فَلْيَأُمَّكُمْ أَقْرَأُكُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، تم میں سے قرآن مجید کے بارے میں زیادہ جاننے والا، زیادہ معلومات رکھنے والا، قرآن مجید کو زیادہ سمجھنے والا ہی امامت کا حقدار ہو سکتا ہے. جب احد کے شہداء کو دفنانے کی بات آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دو صحابہ کرام کو ایک ایک قبر میں دفنایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب صحابہ کے پوچھنے پر یہی بتائی کہ دیکھو ان میں سے جو قرآن کو زیادہ جاننے والا ہے اسے قبر میں پہلے آگے کرو. اسی طرح قرآن مجید پڑھنے والے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررۃ، قرآن مجید سیکھنے والا، اس کو مہارت کے ساتھ تلاوت کرنے والا، اس کے مفاہیم کو سمجھ کے اس کے مطابق زندگی گزارنے والا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر کردہ انتہائی معزز و محترم نیک فرشتوں کے ساتھ اس کا قیامت والے دن اکٹھ ہوگا. قرآن مجید پڑھنے والے کے وہ اللہ رب العزت قیامت والے دن مخاطب کر کے کہیں گے میرے بندے تو دنیا میں قرآن مجید بڑے احسن انداز سے پڑھا کرتا تھا، آج بھی اسی انداز سے تو تلاوت اپنی شروع کر، ورتقے اور جنت کی منزلوں کو طے کرتا جا، جنت کے درجات پر چڑھتا جا، اور جب قرآن مجید کا آخری حرف آخری لفظ تو پڑھے گا تو وہاں تیرا ٹھکانہ ہوگا، وہ تیری منزل ہوگی. یہ قرآن مجید ایسی بے مثال اور لاجواب کتاب ہے کہ قیامت تک کے لیے اس کا نہ تو کوئی جواب دے سکا ہے نہ دے سکتا ہے. اس وقت پوری دنیا کے اندر باوجود اس بات کے کہ اغیار غیر مسلم لوگ، شدت پسند غیر مسلم جو اپنے بغض کو نکالنے کے لیے اسلام کے شعار کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسلام کو مٹانے کے لیے، قرآن مجید کو مٹانے کے لیے اپنا بغض نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، کئی قسم کی توہین کے وہ مرتکب ٹھہرتے ہیں، اس کے باوجود پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ تعلیم قرآن مجید کی حوالے سے دی جاتی ہے، سب سے زیادہ قرآن مجید کو سیکھا جاتا ہے، سب سے احسن انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کی نشر و اشاعت پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے. یہ اللہ رب العزت کا فضل اور اس رب العالمین کا یہ وعدہ ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہمارے ہی ہے، ہم خود ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو وہ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس قرآن مجید کی حفاظت مختلف انداز سے کر رہے ہیں. جہاں تک بات اس قرآن مجید کی عظمت کی ہے تو سبحان اللہ العظیم، ایسی یہ معجزانہ کلام ہے کہ اس کے مفاہیم کو سمجھا نہ بھی جائے، دنیا کی کوئی زبان یا دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کو آپ بغیر سمجھے فر فر پڑھتے جائیں اور بغیر مزے کے آپ اس کی تلاوت یا اس کی ریڈنگ کر سکیں جب تک آپ کو سمجھ نہیں آتی. واحد قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے اس کے مفاہیم آپ کو سمجھ نہیں بھی آ رہے ہوتے، معنی تک نہیں آپ کو پتا ہوتا، اس کے باوجود ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس کو اتنے احسن انداز سے پڑھتا ہے، پڑھنے والے کو بھی مزہ اور سننے والے کو بھی مزہ آ رہا ہوتا. اور اس کا یہ بھی اعجاز ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب، انتہائی دلچسپ ترین کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کو ایک بار، دو بار، تین بار پڑھنے کے بعد بھی آپ کا دل دوبارہ چاہتا ہو اس کو پڑھنے کا. جو سٹوری، جو کہانی آپ ایک مرتبہ سن یا پڑھ لیتے ہیں دوبارہ آپ اس کو پڑھنا پسند نہیں کرتے، سارا کچھ آپ کو پتا ہوتا ہے کیا پڑھنا. یہ واحد قرآن مجید کتاب ہے، اس کو جتنا زیادہ پڑھا جاتا ہے اتنا ہی یہ زیادہ لطف دیتی ہے اور اتنا ہی زیادہ پڑھنے والے کو محظوظ کرتی ہے. یہ اللہ رب العزت کا فضل، یہ اللہ کی کلام ہے اور اللہ رب العزت نے اس کو مختلف مقامات میں مختلف الفاظ کے ساتھ اس کی فضیلت کو اجاگر کرتے ہوئے کہیں پر فرمایا
फला उकसिम बिमा तुबसिरून वमा ला तुबसिरून इन्नहू लकौलु रसूलिन करीम। किसी जगह पे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इन्नहू लकुरआनुन करीम फी किताबिम मकनून। किसी जगह पे फरमाया बल हुवा कुरआनुन मजीद फी लौहिम महफूज। किसी जगह पे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया व इन्नहू लतनजीलु रब्बिल आलमीन नज़ल बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बिक लितकून मिनल मुनज़िरीन। किसी जगह पे फरमाया ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। किसी जगह पे फरमाया तंजीलुल किताब ला रैब फीह मिन रब्बिल आलमीन। कुरान मजीद की इस यही सबसे बड़ी शान है कि ये कायनात के रब रब्बुल आलमीन की तरफ से नाज़िल शुदा किताब है, ये हमारे रब का कलाम है, ये हमारे पैदा करने वाले का कलाम है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में गौर व फिक्र करने की हमें दावत दी है, बार बार हमें एहसास दिला रहा है, हमें इस बात की तरगीब दिलाई है अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में। फला यतदब्बरून अल-कुरान वलो कान मिन इंदि गैरिल्लाह लवजदु फीहि इख्तिलाफन कसीरा। तुम कुरान मजीद के हुस्न को देखो, तुम इसके मानी व मफाहीम को देखो, तुम इसकी तरतीब को देखो, तुम इसके अल्फाज को देखो, तुम इसके सुभान अल्लाह अज़ीम मुसज्जा कलामी को देखो कि किस कदर हर आयत इसकी अपने एक दूसरे की तफसीर करती चली जाती है और इंतहाई अहसन अंदाज में। अगर आप में से कुछ तर्जुमा के साथ कुरान पढ़ी हुई हैं या पढ़ती हैं या समझती हैं तो आपने बगौर मुतालिया किया होगा कि कुरान मजीद में एक ही वाक्या मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ जगहों पर कई मरतबा बयान हुआ है और हर जगह पर अल्फाज नए हैं, अंदाज नया है। वो एक ही वाक्या बयान होता है बार बार, लेकिन सुभान अल्लाह क्या प्यारा कलाम है अल्लाह ताला का। हर बार उसके अंदर एक नया पहलू उजागर होता है और नया अंदाज बयान होता है। ये कुरान मजीद की शान है, ये कुरान मजीद का एजाज है, ये कुरान मजीद का हुसन है। जहां तक बात इसको सुनने की है तो वो दुश्मनान इस्लाम, वो कुरैश मक्का जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन थे, क्योंकि अरब जबान को समझने वाले थे, अरब थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को तहज्जुद की नमाज में तिलावत कुरान मजीद इरशाद फरमाते तो वो लोग महजूज होने के लिए रसूलुल्लाह सल्लम की तिलावत पाक को सुनने के लिए, तिलावत मुबारक को सुनने के लिए छुप छुप कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज को सुना करते थे। ये कुरान मजीद इतना यानी मशहूर कौन है कि इसके इसका इसका असर अब सुनने वाले के दिल के ऊपर पड़ता चला जाता है। बात उसे समझ आती हो या ना आती, ये कुरान मजीद का एजाज है। तो खैर, कुरान मजीद की फजीलत हमारा असल टॉपिक नहीं है, ये तो इब्तदाई चंद बातें हैं। अब जब कुरान मजीद की इतनी बड़ी फजीलत है, ये इतनी अजीम किताब है, ये इतनी शानों वाली किताब है और अल्लाह रब्बुल इज्जत का इसको पढ़ने, इसको समझने और इसके मानी और मफाहीम पर गौर और तदब्बुर करने और फिर उनके मुताबिक अमल करने का अल्लाह ताला का हमें हुक्म है, अल्लाह की तरफ से हमें ये दावत है, तो फिर हमारे दिल में इसको सीखने और सिखाने की उतनी ही ज्यादा तड़प होनी चाहिए। ये हमारे अल्लाह का हुक्म है, ये किसी का हुक्म नहीं। आज दुनिया की जरूरत के मुताबिक, दुनिया के साथ चलने के मुताबिक, अपना स्टेटस दुनिया के बराबर करने के मुताबिक हम 16, 17, 18, 20, 25 साल यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में और दीगर जो इंस्टीट्यूट हैं उनमें इतनी जिंदगी गुजारते हैं दुनिया के फनून और उलूम में महारत हासिल करने के लिए, ताकि हमारा स्टेटस दुनिया के बराबर हो। हमें कुरान में बहुत ज्यादा आगे जाना चाहिए सीखकर, कुरान मजीद को सीखने की हमारे अंदर तड़प इससे कहीं ज्यादा होनी चाहिए कि जितनी हमें दुनिया के साथ, क्योंकि वो सिर्फ हमारी जरूरत है और ये हमारा मकसद है। उन जरूरतों ने हमारी जिंदगी के साथ सिर्फ रहना है। जिस दिन जिंदगी खत्म हो गई, सारी जरूरतें खत्म, सारी डिग्रियां खत्म, ये कुरान की डिग्री तो क्यामत वाले दिन असल काम आएगी। दुनिया में तो काम आती ही है, असल काम तो क्यामत वाले दिन आएगी। इसने कब्र में भी हमारा साथ देना है, इसने आखरत में भी हमारा साथ देना है, इसने महशर वाले दिन भी हमारा साथ देना है।
तो इसको सीखने की तगोदो और जोक और शौक हमारे दिलों में कहीं ज्यादा होना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहां तक कब्र की बात है कि कब्र में जब अल्लाह ताला अपने बंदे से सवाल करेंगे फरिश्तों के जरिए, तो जब बंदा अल्लाह के सवालों का सही सही जवाब दे देगा तो फरिश्ते फिर उससे पूछेंगे कि तू कहां से सीख गया है, तो वो इसी किताब का हवाला देगा। तरातु किताब अल्लाह व आमनतुहु व आमनतु बिही व सद्दक्तु, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी थी, मैंने इस पर ईमान रखा था, मैंने इसकी तस्दीक की थी, मैंने इस पर के मफाहीम पर गौर किया था, इस वजह से ये सब कुछ मुझे आता है, मुझे अकीदा तौहीद की नेमत भी इसी वजह से हासिल है। ये किताब तो हमें दुनिया आखिरत में हमारा साथ देने वाली किताब है, ये अल्लाह का मैसेज है हमारी तरफ, ये अल्लाह का खत है हमारी तरफ, ये हमारे प्यारे रब, जो भी मुसलमान अपने अल्लाह के साथ मोहब्बत करता है, अपने अल्लाह पर ईमान रखता है, वो कभी ना कभी उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती है कि मैं अपने रब को देखूं और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर यकीन रखते हुए उसे इस बात की उम्मीद और यकीन होता है कि इंशाअल्लाह जन्नत में अपने रब के नज़ारे भी करूंगा, अपने रब का दीदार अनवर भी करूंगा। तो हमारे उस रब का ये कलाम है, उसको समझना, उसको सीखना, उसको पढ़ना, सुभानअल्लाह अलअज़ीम। अमल की बात तो बहुत बड़ी और बहुत आगे तक है, इसको सिर्फ पढ़ने के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन करा हरफम मिन किताबिल्लाह फलहु अशर हसनतिन, जिसने अल्लाह की किताब से एक हर्फ भी पढ़ा उसको 10 नेकियां मिल जाती है। और फिर मजीद वजाहत करते हुए फरमाया, इस कुरान मजीद में ये नहीं कहता कि इसमें अलिफ लाम मीम ये एक ही हर्फ है, ये 3 अलग अलग हरूफ है। यानी तरगीब किस अंदाज से दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन एक शिकवे की बात, अपने आप से मैं शिकवा करता हूं, हम सबको अपने आप से शिकवा करना चाहिए, अपने आप को गिला करना चाहिए कि हमारा कुरान के साथ क्या रवैया है, हमारा कुरान के साथ क्या सलूक है। मेरी उम्र इस वक्त 40 से ऊपर जा रही है, 60 से ऊपर जा रही है, 50 से ऊपर जा रही है, मैं 30 साल का हो चुका हूं या हो चुकी हूं, लेकिन मैंने कुरान को कितना सीखा है इन 30 सालों में, इन 40 सालों में, इन अपने 50 सालों में। जद्दी पुश्ती मुसलमान हूं, खानदानी मुसलमान हूं, मेरे खानदान में नस्लों में कोई गैर मुस्लिम नहीं है, और ये कुरान मजीद को नाजल हुए हुए 1450 साल हो चुके हैं। वो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन जिनकी टोटल इस्लामी जिंदगी 23 साल थी, उन सहाबा किराम ने नाजल होता हुआ कुरान मजीद महफूज करके हम तक पहुंचा दिया, जो सारी जिंदगी कुफर पर जिन्होंने गुजारी थी, सिर्फ इस 23 साल पूरे दौर के अंदर 144,000 कमोबेश सहाबा किराम उन्होंने कुरान मजीद को सीख कर उसके मुआनी व मफाहीम तक हम तक पहुंचा दिए। और हम खानदानी मुसलमान होकर इतने अरसे से हम कुरान को पढ़ने तक नहीं सीख सके। मैं ये कोई तंज नहीं कर रहा, सिर्फ एहसास के तौर पर अपने आप से ये एक सवाल होना चाहिए हमारा। लेकिन फिर भी मायूसी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने अगर आज भी मुझे तौफीक दे दी है, आज भी अगर मुझे शऊर आ गया है कि मैंने सारी उम्र तो अपनी गुजार ली है, बहुत कुछ दुनिया का मैंने सीख लिया है, बड़ी डिग्रियां हासिल कर ली हैं, बड़ा मास्टर कर लिए हैं मैंने, बड़े बड़े लाखों रुपया खर्च करके फीसें लगा लगा के मैंने डिप्लोमे किए हुए हैं, बड़ा ग्रेजुएट हो चुका हूं मैं, लेकिन या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने अब भी मेरे दिल के अंदर कुरान मजीद की तालीम का एहसास पैदा कर दिया है, तो या अल्लाह मुझे इसको सही अंदाज में सीखने की तौफीक दे। और जहां तक कुरान मजीद की मजलिस की बात है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा मिन मजलिसिन या मा मिन कौमिन यक़ऊदून फयजलिसून, कोई कौम या कोई मजलिस ऐसी नहीं है, हदीस का मफहूम है कि यज़कुरून अल्लाह फीहि, कि जिस मजलिस में वो अल्लाह का जिक्र करते हों, इल्ला हफ्फतहुमुल मलाइका, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से रहमत के फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं, उस मजलिस के
निगेवान बन जाते हैं, निगरान बन जाते हैं। वगशियतहुम रहमा, अल्लाह की रहमत उनके ऊपर साया बेगन हो जाती है। वनजलत अलैहिम सकीना, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से सकीनत उन पर नाजिल हो जाती है। वज़करहुमुल्लाह फीमन इंदहु, और अल्लाह रब्बुल इज्जत उस मजलिस का, उस मजलिस में शामिल लोगों का तज़किरा, सुभानअल्लाहिल अज़ीम, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी मजलिस में करते हैं। कितनी बड़ी बात है, कितना खुश नसीब है वो शख्स, कितनी खुश नसीब है वो बहन, वो खातून, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसका जिक्र अपनी मजलिस में करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वजह क्या है? ये कुरान पढ़ रहे हैं, ये कुरान सीख रहे हैं, ये शैतान की शर से महफूज हो चुके हैं, इनके ऊपर अल्लाह रब की रहमत साया फगन होकर नाजल हो रही है। मैं उम्मीद करता हूं, अपने अल्लाह से यकीन रखता हूं और दुआ भी करता हूं कि अल्लाह ताला हमारी इस मजलिस को भी ऐसी बाबरकत मजलिस बनाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम को जो आपने तरगीब दी है, जो हाफिजों को, जो कुरान मजीद सीखने वालों को, जो कुरान मजीद में महारत रखने वालों की जो फजीलतें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की हैं, वो हमें तरगीब दिलाने के लिए, ताकि हमारे दिल में ये एहसास पैदा हो, ये शौक और जोक पैदा हो कि मैं भी इस तरह का कुरान पढ़ सकूं। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला हसद इल्ला फी इस्नतैन, रश्क जो है, गिबता जिसको कहते हैं, रश्क, इस्लाम में हसद हराम है, कि किसी के पास कोई नेमत देखी उसके ऊपर दिल में जलन पैदा होना शुरू हो गई और ये शौक पैदा हुआ कि ये नेमत मुझे क्यों नहीं मिली, सिवाय दो चीजों के, ये चीज इस तरह की ख्वाहिश का इजहार करना हराम है, और ये जो ख्वाहिश का इजहार करना है इसकी को रश्क कहा जाता है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिर्फ दो चीजों में रश्क जायज है। रजुलन आताहुल्लाहु मालन, एक वो शख्स इसको अल्लाह ताला ने माल और दौलत से नवाजा है और वो अल्लाह के रास्ते में उसमें से खर्च करता है, उसका हाथ बड़ा कुशादा है, गनी है, सखी दिल वाला है, हर नेकी के काम में वो अपना हिस्सा डालता है, तो आपके दिल में ख्याल पैदा होता है कि अल्लाह मुझे भी माल दे, अल्लाह मुझे भी इस तरह की फरावानियों से नवाजे, तो मैं भी इस तरह अल्लाह के रास्ते में खर्च करता चला जाए, तो ये आपके लिए जायज है। और दूसरा, जिस शख्स को अल्लाह ने कुरान मजीद में महारत अता की है, फयहुवा यकूमु बिही आना अल्लैल व आना अन्नहार, वो रात दिन उस कुरान मजीद की तिलावत करता है, क्याम करता है, पढ़ता है, सिखाता है, सीखता है, वो कुरान मजीद की तफसीर बयान करता है या करती है, वो कुरान मजीद की तिलावत करता है या करती है, तो आपके दिल में ये ख्वाहिश और ये शौक पैदा होता है कि या अल्लाह, जिस तरह ये बंदा या तेरी बंदी ये कुरान मजीद पढ़ रही है या पढ़ रहा है, या अल्लाह मैं, मुझे भी तू इसी तरह सिखा दे, मैं भी कुरान मजीद को इसी अंदाज से पढ़ा करूं, इसमें ये रश करना जायज है। और ये चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरकीब के लिए, हमारे दिल में कुरान मजीद को सीखने का जोक और शौक पैदा करने के लिए। तो मैं अपनी तमाम हाजिरात से यही गुजारिश करूंगा कि हम सब, बड़ा मुख्तसर टाइम हुआ, कभी कभार कुछ चंद मिनट ऊपर हो गए तो अलग बात है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि ये आधे घंटे की ही हमारी क्लास हो, 8:30 से लेकर ठीक 8:30 शुरू हो जाया करे अल्लाह करे, और 9 बजे तक, 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो जाते हैं तो उसमें हम आपस में उसको मैनेज कर लेंगे, इंशाल्लाह एडजस्ट हो जाएंगे। तो इसमें पाबंदी के साथ हाजिरी दें, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा ये इकट्ठा होना, हमारी इस क्लास का शुरू होना खैर व बरकत वाला बनाए। और ये जो मुझे बताया गया है कि लगभग 3 महीने का ये हमारा कोर्स चलेगा, इसमें इंशाल्लाह हम आसान आसान मोटे मोटे तजवीदी कवायद और जवाबित भी पढ़ेंगे, और ज्यादा हम जोर देंगे प्रैक्टिस पर, प्रैक्टिस पर इंशाल्लाह जोर देंगे,
चार दिन की टोटल क्लास होगी, तीन दिन हम पढ़ेंगे और चौथे दिन हम इंशाल्लाह सुनने का रखेंगे। उस दिन अगर हो सका तो थोड़ा टाइम ज़्यादा भी हम लगा लेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हाजिरात हैं वो सुना सके सबक अपना, वो लाइव सबको सुनाई देगा इंशाल्लाह। तो उसमें जो कमी बेशी होगी वो इंशाल्लाह हम साथ मिलकर दूर करेंगे। ये इस क्लास का पैटर्न होगा। एक कानून हम रोज़ाना पढ़ा करेंगे और वो आपस में आप लोग भी डिसाइड कर लें कि पहले सुपारे से शुरू करना है या आखिरी दो सुपारों से ही शुरू करना है, ताकि हम इन तीन महीनों में ज़्यादा से ज़्यादा हम नाज़रा की हमारी मश्क भी हो जाए। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला इस क्लास को हमारे लिए खैर व बरकत वाला बनाए। इजाज़त चाहूँगा आप लोगों से मज़ीद। कल इंशाल्लाह हमारी क्लास जो है वो अपनी तरतीब से कानून तजवीदी कानून के हवाले से हम शुरू कर लेंगे। साथ में हम दो चार आयतें जितना भी आसान हो सका हम पढ़ेंगे इकट्ठे मिलकर। तो इसमें अगर कोई रद्द बदल हुआ तो मैनेजमेंट मुझे भी और आपको बता देंगी। इजाज़त चाहूँगा तब तक के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।